वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। बहुत बार एक सवाल उठता है कि असी अमृत वेले नहीं उठ सकते तो की करिए, कि अमृत वेला ना भी उठिए तो सर जाओ। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि असी नाइट शिफ्ट करते हैं, साढ़े लिए अमृत वेला जरूरी है। कई कहते हैं कि जेकर असी गुरु साहब अगे अरदास करिए अते माफ़ी मंग लिए ता कि सानू माफ़ी मिल सकती है। सो अज आप सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करांगे। सब तो पहला तो ये गल कि अमृत वेला लाजमी गुरु साहब जी ने किया, सो इस दा जेकर कोई अल्टरनेटिव लभदा तो यह संभव नहीं है। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों जंगा जुद्धां विच हुंदे सन तां समां बड़ा जरूरी हुंदा सी, बड़ा खिच हुंदी सी, चाहे फौजां उपर चढ़ियां हुंदियां सन। इस सब दे बावजूद भी गुरु साहिब अते उन्हां दे जो संगी साथी सन हमेशा अमृत वेले नूं पहल दित्ती अते कदे वी नांगा नहीं सी पाया। इस तों आपां नूं अमृत वेले दी महानता दा अंदाजा लगा लेना चाहीदा है अते साडे सारे बहाने इस गल दे अगे, इस घटना दे अगे छोटे पै जांदे हन। जेकर कोई आखे कि गुरु साहब अगे अरदास करके माफ़ी मंग लवां तां जो घाटा पिया अमृत वेले दे आपां जो संभाल ना करके, तां देखो माफ़ करना जा नहीं ये तां गुरु साहब नूं पता है, पर जो घाटा पिया वह शायद कदे पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि फायदा तो उसे नूं होवेगा जो समय सिर उठ के उद्यम करदा है। जिवें जेड़ा वध काम करदा है उसे नूं वध कमाई हुंदी है, जेड़ा घट करदा है उन्हूं घट हुंदी है। बिल्कुल उस तरह जेड़ा अपने मन नूं समझा के सवेरे अमृत वेले उठदा है, अमृत वेला संभालदा है, उस ते वध कृपा हुंदी है, उस ते गुरु साहब ज़्यादा मेहरबान हुंदे ने। अमृत वेले किवें उठिए, किवें सुस्ती आलस तो पहला आपां अपना खेड़ा छुड़ा लीए, किवें एक पक्का नेम बनाइए, किवें आदत बनेगी कि अपने आप सवेरे अमृत वेले अख खुले अते शरीर चुस्ती फुर्ती नाल भरिया होवे। सब तो बेहतर तरीका है कि गुरु दे दर ते जाके बेनती करिए, अरदास करिए, वाहिगुरु सच्चे पातशाह जीओ मैनू अमृत वेला बख्श दिओ, मेरे ते कृपा करो कि अमृत वेले उठ के नितनेम कर सकां। वाहिगुरु जरूर बाँ फड़नगे, क्योंकि वह सब की पुकार सुनते हैं ते अपनी भी जरूर सुनेंगे। सब तो जरूरी गल है कि जेकर अमृत वेला संभाल लांगे ता ही वाहिगुरु अपने ते मेहर भरिया हाथ रखणगे, क्योंकि अमृत वेले नूं सब ने पहल दित्ती है। आपां पहलां शाम दा वेला संभालीए जे अमृत वेला संभालना है। असीं मनुख इस प्रकार दे हाँ कि जेकर आपां कुछ करदे हाँ उस हिसाब नाल शरीर नूं आराम भी चाहिए, उन्हों रेस्ट भी जरूरी है। जेकर आपां शाम नूं अपने सारे काम समय सिर नबेड़ के समय सिर सो जाइए तो उठण विच कोई दिक्कत नहीं हुंदी। साडे शरीर नूं घट्टो घट 6 घंटे की नींद जरूरी है। डॉक्टर भी कहिंदे ने कि 6 तों 7 घंटे की नींदर ही लाभ दिंदी है, जेकर कोई ज़्यादा सोवे तो नुकसानदायक है। आराम पूरा किया हो, 6 घंटे की नींद हो अमृत वेले वध ध्यान लगता है। जेकर आप 9 बजे से सो जाइए तो आप 2:30-3 बजे आप जो है ना जाग आपी खुल जाएगी। रात को थोड़ी रोटी घट खाइए तो आपे सुबह जाग जल्दी आएगी। जिन्ना लेट करांगे उन्ना नींद भी नुकसान है, उन्ना ही अमृत वेले आप जो है वह भी नुकसान है। जेकर कोई ये कहे कि मैं 11-12 बजे सो के अमृत वेला संभाल लवांगा तो अजय तो संभव ही नहीं है। शाम का प्रशादा ज़्यादा लेट ना करिए। जो लोग लंबे समय तो अभ्यासी हैं उन्हों का यही कहना है कि वह शाम को 5 बजे भोजन प्रशादा कर लेंगे, 5 तों लैके 6 बजे के विच। जिन्ना लेट प्रशादा छकेंगे उन्ना ही ज़्यादा समस्या आएगी उठण विच, क्योंकि जो ज़्यादा अन्न खा लेंगे ना तो वह भी कितना कितने सुस्ती का घर बन जाता है। एक तरीका यह भी है कि अपने घर विच किसी सियाने नू माता पिता नू जां जीवन साथी नू कहिए कि मैनू अमृत वेले उठा देना, मैं अमृत वेले उठ के नितनेम करना है। जां जरूरी कोई भी घर विच जिहड़ा जल्दी उठता है उन्हू कहो, जां अलार्म की सहायता ले लो भी हाँ भी मैं जल्दी उठना है, इस च कुछ गलत तो है नहीं। जेकर अपने आंढ गुआंढ या घर विच कोई अमृत वेला संभालदा है तो उसकी संगत करनी चाहिए है, थोड़े दिनों विच नेम बन जाता है। इस तरह आप अमृत वेला संभाल सकते हैं। अमृत वेले की संभाल करन वाले उत्तम पुरख होंगे ने। अमृत वेले अपने गुरु पातशाह की गोद विच सज जाते हैं। एक पुरख होंगे ने ते दूजे महापुरख।
पुरख तो आपा सारे हाँ, महापुरख जो गुरु दी रजा नू मनन। आपा वेखते हैं ना बहुत सारिया चीजा पईया हुण तां आपा विचों सब तो वधिया चुनदे हां उही चुक लैंदे हां ते एवें गुरु साहब साडे ते बख्शीश करदे हन, सानू गुरु दे चरणां विच लाउंदे हन, अपने गुरु कोल बैठ के प्रभु नाल जोड़ देंदे हन अते जदो जोड़दे हन फिर सारे सुख मिलने शुरू हो जांदे हन। इत्थे ही आके रब दी प्राप्ति हुंदी है अते जो रोज उद्यम करदे हन उन्हां नूं ही प्रभु मिलदा है, उन्हां नूं वाहिगुरू मिलदा है। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे ने हे वाहिगुरू तुसीं किन्ने अणगिणत मनुखां तुसीं किन्ने भवसागर तों पार कर दित्ते ने, महाराज तुसीं बड़े सियाणे हो, मेरी मत थोड़ी है, हे वाहिगुरू तुहाडी शरण ते आया ते मैं भी तर जावां, तुहाडी शरण जो आउंदा है उसकी तुसीं लाज रख दिओ, तुसीं उसकी गरीबी भी तोड़ दिंदे हो, तुसीं उसदे सारे दुख हर लैंदे हो, वाहिगुरू तुसीं सब ते मेर भरिया हाथ रख दिओ, हे वाहिगुरू मैं तां पाप कर कर भी हार गया हुण तुहाडी शरण आया, मैं तां मुक्ति लई बहुत उपा कीते पर कोई पेश नहीं चली, मैं तां ए पढ़िया है हंकारी कि तुसीं पिठ रख दिओ ते भगतां दी लाज रख दिओ, तुसीं अपने लखां भगतां दी लाज रखी है। जदों असीं गुरबाणी पढ़दे हाँ ना तो साढ़े चारे पासे गुरबाणी नाम का जो है ना किला बन जाता है जो सानू तत्ती वाह भी नहीं लगन दिंदा। साढ़े कोल शरीर तो मनुख दा पर जो मत है वह पशु वाली होगी, अज पशु आपस में प्यार नाल रहिंदे ने ते आपां की करदे हां, अज आपां देखे वेखो जिवें एक रुख ते किन्ने पंछी रहिंदे ने तां वी उह लड़दे नहीं आपस झगड़ा नहीं करदे, एक घर विच चार जीव वी होण ना तां लड़ाई झगड़ा करदे रहिंदे ने, लड़दे ने मनुख आपस विच, पंछी तां आनंद विच रहिंदे ने। पंछियां नालों मनुख भैड़ा है, शरीर ही मनुख दा है, सोच तां नहीं हैगी ना। कहिंदे कबीर नूं ना हथ बन के ते हाथी दे अगे सुट दिता सी ते हाथी इस नूं उहनूं आ के कुचलन लगा पर हाथियां नूं वेख के पिछे मुड़ गया, वह अगे डरदा ही नहीं गया ही नहीं। हाथी नूं दिसदा है कि उसके हिरदे अंदर रब वसिया पर बंदियां नूं नहीं दिसदा पिया भी हिरदे अंदर रब वसिया, फिर भी वह पिछे पिछे आ रहा है। अपनी बिरती पता एवें दी हो गई ते एक ही दे नाल सुधरेगी जदों गुरबाणी का जाप करांगे, जदों नाम जपांगे, जदों वाहिगुरू दे लड़ लगांगे। ते अज उसे तो दूर हो गया, तां ही तां वाहिगुरू जी ने कहा सी अमृत वेला संभाल गुरबाणी पढ़, क्योंकि उदों जदों उठते आ ना ते चारे पासे गुरबाणी दा जाप हो रहा हुंदा, वह एनर्जी जदों शरीर च जांदी है ना तां सारा दिन आनंदमय ते सुखमय अपना लंघ जांदा। फिर की हुंदा है जदों सारा दिन आनंद नाल लंघिया रात नूं जदों कीर्तन सोहले दा पाठ करके सोईदा है उदों रात भी सोहनी बतीत हुंदी है। मनुख विच ही किते ना किते कमी है ते जो आपां रोज़ उसनू अपने अंदर धार के ते होर ज़्यादा वड्डी करी जा रहे हैं। हाथी बंदियां नू पुछदा है कि इसका कसूर की है जिसनू पोटली बना के मेरे अगे सुट्टिया, क्यों रब की उस्तत करता है तां अगे सुट्टिया। हाथी उसनू नमस्कार करता है, काजी तू अन्ना है, तेरे मन उपर कठोर पत्थर रख्या है, तेनू समझ नहीं आउंदी रब दा बंदा है, रब दा जिस नाल वाहिगुरु खड़ा है ना उसका कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता, उन्होंने रति भै नहीं हुंदा क्योंकि वाहिगुरु दा हाथ उहदे सिर ते हुंदा। वाहिगुरु हमेशा लाज रखते ने, अमृत वेले उठ के अरदास करिया करो वाहिगुरु मेरे ते कृपा करो, मेरे सारे दुख हर लो, मैनू मत दो। जदों वाहिगुरु ने बाँह फड़ ली ना फिर दुख नेड़े भी नहीं आउणगे, पर उहदे लई अमृत वेला संभालना जरूरी है। फिर आओ गुरु दे लड़ लगीए ते अमृत वेला संभालीए।